पुरस्कार बांट लेना। एक बार कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में एक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने सोचा कि रामन उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों को रामन को अंदर ना छोड़ने की आज्ञा दी। दरबार में आज नृत्य का कार्यक्रम है, पर राजा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ठीक है, शायद वो भूल गए होंगे। चलो जाकर नृत्य देखें। रामन दरबार के अंदर जाना चाहते थे, पर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। क्षमा कीजिए, आप दरबार में नहीं जा सकते। अरे, तुम मुझे जानते नहीं? मैं रामन हूँ, दरबार का मनोरंजक, मुझे क्यों नहीं जाने दोगे? क्षमा कीजिए, महाराज ने आपको अंदर ना भेजने की आज्ञा दी है। रामन ने एक क्षण के लिए सोचा। वास्तव में राजा ने मुझे कुछ भेंट लेने के लिए बुलाया है, वो मेरा इंतजार करते होंगे। अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो वो जो भी भेंट देंगे मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा। पहरेदार जानते थे कि रामन को राजा बहुत भेंट देते थे, इसलिए वो लालच में पड़ गए। ठीक है, आप जा सकते हैं, पर याद रहे, महाराज जो भी देंगे उसमें से आधा मुझे देना होगा। और आपको अंदर जाने देने के लिए मुझे क्या मिलेगा? तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो उसके बदले में बाकी जो बचता है तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। पहरेदार तुरंत मान गए और रामन को अंदर जाने दिया। कार्यक्रम जारी था। रामन एक लकड़ी लेकर मुख्य नर्तकी को मारने लगे। रामन, तुम्हारी ये हिम्मत! सिपाहियों, नृत्य में बाधा डालने के लिए रामन पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। भेंट के लिए आभारी हूँ महाराज, पर मैं दरवाजे पर खड़े उन 2 सिपाहियों के साथ उसे बांटना चाहता हूँ। आपसे जो भी प्राप्त होगा उसे उनके साथ बांटने का वादा मैंने किया है। अब सारी बात कृष्णदेवराय के समझ में आ गई और रिश्वत मांगने के अपराध में उन्होंने उन पहरेदारों को दंड दिया।